अगर आपके पास भी डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड नहीं है और आप फोनपे अकाउंट को आधार कार्ड की मदद से चलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप फोनपे को आधार कार्ड की मदद से चला पाओगे। इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और बिना स्किप किए हर एक चीज़ को डिटेल से समझना है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप फोनपे अकाउंट को आधार कार्ड की मदद से चला नहीं पाओगे, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस को बढ़िया से देखना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल में चले जाना और यहाँ से मेरे फ़ोनपे का लेटेस्ट वर्जन ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि आप आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे को चला सको। और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको ऐसे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जिससे आप डेली के 500 से 1000 रुपये बिल्कुल फ्री में कमा सकते हो। जैसे मैंने इस ऐप को रेफर करके 37,210 रुपये सिर्फ रेफर करके कमाया है और यहाँ पर रेफर का 100 रुपये देता है पर रेफर का, और साइनअप बोनस 250 रुपये देता है। और ऐसे और भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप फोनपे के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करते हो उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से इसे लॉग इन कर लेना है। तो जैसे ही मैं लॉग इन में जाता हूँ उसके बाद ओटीपी गिरता है तो ओटीपी ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता तो आप फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा फ़ोनपे लॉगिन हो चुका है, जो जो अलाउ मांगता है उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा फ़ोनपे लॉगिन हो चुका है। आपका फ़ोनपे लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो जिसके लिए आपको सबसे पहले प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना है और उसके बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से अपना बैंक अकाउंट को सर्च कर लेना। अगर आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप सर्च करके भी अपना बैंक अकाउंट ला सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना सर्च कर बैंक अकाउंट ले आता हूँ, तो INDIN, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैंक अकाउंट आ चुका। तो मैं जैसे अपना बैंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट फाइंडिंग होने लगता है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैंक अकाउंट फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। जैसे यहाँ पर बैक आते हो उसके बाद फिर से आपको बैक आना है तो आप देख सकते हो मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है। आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे को चलाने के लिए सबसे पहले आपको पिन को बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं सबसे पहले आपको पिन बनाना सिखा देता हूँ कि आप कैसे पिन बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, तो मेरा पहले से यहाँ पर पिन बन चुका है। तो यहाँ पर मैं रीसेट पिन पर ऑप्शन क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि यहाँ पर आप डेबिट कार्ड का जो भी रहता है लास्ट डिजिट, यहाँ पर एटीएम या डेबिट कार्ड का जो भी लास्ट डिजिट है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास एटीएम का डेबिट कार्ड नहीं है तो एटीएम या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आधार नंबर वाले ऑप्शन पर। जैसे आप आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वेटिंग मेरा दिखाने लगता है। उसके बाद यहाँ पर एंटर फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड का जो भी 6 नंबर है पहला वाला उसे डालना पड़ेगा और आपका आधार कार्ड से आपका ये फ़ोनपे बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आप उसे चला भी सकोगे तो मैं आपको चला कर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर 6 नंबर डाल देता हूँ आधार कार्ड का जो भी है मेरा। सही, आप अपना आधार कार्ड का 6 डिजिट डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी अलाउ मांगता है उसे अलाउ दे देना है। उसके बाद जैसे मैं ये अलाउ करता हूँ उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई होने लगता है। उसके बाद एंटर, मतलब आपका ओटीपी गिरेगा आपका आधार कार्ड में। अगर आपका आधार कार्ड को आपको मोबाइल नंबर से लिंक रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओटीपी को फिल कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर टाइम नहीं है ज़्यादा, तो 617203, 617203। जैसे मैं ओटीपी को फिल करता हूँ उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा ओटीपी ऑटोमेटिकली ले लिया। उसके बाद यहाँ पर साइन पर क्लिक करना। उससे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपका तीनों एक दूसरे से लिंक रहना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपका आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले लिंक करा लेना, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ना है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा सेट 4 डिजिट UPI पिन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं UPI पिन को सेट कर लेता हूँ। आप अपना UPI पिन को अपना हिसाब से सेट कर लेना। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से UPI पिन को सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो अभी तक लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा UPI पिन सक्सेसफुली बनकर तैयार हो चुका है और मैंने आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे का पिन बना लिया है जिससे मैं आप ये फ़ोनपे को चला सकता हूँ। तो चलो आपको बैलेंस चेक करके दिखा देता है। तो यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ उसके बाद जो भी मेरा पिन है उसे मैं जैसे डालता हूँ, उसके बाद साइन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग बैलेंस दिख रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैलेंस दिखा दिया है। इसका मतलब अब मैं फ़ोनपे को चला सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।